राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, अभी जो है शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 7 और खाना बनाने की तैयारी। खाने में है कुछ खास जो कि हम लोग बना रहे हैं पूरे 1.25 साल में। ये 1 साल से ज्यादा हो गया है जब हमने अपना नया तवा खरीदा था, तब हमने वो खास चीज बनाई थी और उसके बाद में आज बनाएंगे और वो बनाएगी हमारी सासू माँ। तो आज दोनों बोगे जो है उनकी हेल्प करेगी, हेल्पर बनेगी, फ्री रहेगी और हेल्प भी करती रहेगी और बाकी काम करेगी सासू माँ। तो देखिए, मैं लेकर आई थी कल नया तवा, जो कि पुराना तवा हमारा हवा में उड़ता था। बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी ये वाला तवा हवा में उड़ रहा है। और काफी दिनों से सोचते सोचते कल मैं डॉक्टर के यहाँ उसको लेकर गई थी, उसकी दवाइयाँ लेने के लिए, उसे दिखाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा, बाहर ही मुझे तवे दिखाई दिए मार्केट से जैसे निकल रहे थे, मैंने कहा इनसे गुड्डू के पापा से मैं तवा जरूर लेकर चलेंगे। और चाकू, चाकू हमारे जो है एक सही चलता था, एक खराब हो गया है और दो जो है खो गए थे, तो इस वजह से मैं दो चाकू लेकर आई हूँ, एक छिलर लेकर आई हूँ और एक तवा लेकर आई हूँ। तो चाकू तो हमने सुबह से ही यूज कर लिए हैं और ये देखिए, ये रहा तवा और तवे का प्राइस है 170 रुपये। और देखिए, तवा जो है काफी भारी है, जो कि चूल्हे के मतलब का है, मिट्टी के चूल्हे के, तो उस पर भारी तवा ही काम करता है। और जब इसे डेली साफ करते हैं ना लोहे वाले जूने से, तो ये घिस ही जाता है ऑटोमेटिकली। ये देखिए, वैसे तो मैं देख कर लाई हूँ लेकिन अभी हमारी सासू माँ यूज करके बताएगी कि कैसा है। देखिए माँ, अभी तक माँ को भी नहीं मैंने दिखाया था, रख दिया था ऐसे ही लाकर। चाकू तो हमने यूज कर लिए थे, कैसा है? तवा ठीक है, चूल्हे लाओ। और ये देखो कितनी मजबूत है, मजबूत है, मजबूत तो उसकी भी है। हाँ, वैसे जब से वो लिया था उसका ये वाला, ये जो है डंडी यहाँ से हत्ता टूटा नहीं, पर वो आगे सब ऊपर कूट जावे था, वाले युगस गया ऊपर के नाम टूटा नहीं। हाँ, नहीं तो चूल्हा। प्रीति का भी यही कहना है कि उसका ये नहीं टूटा, यहाँ से फट गया थोड़ा सा, जैसे पुराना घिस गया था वह, लेकिन वो टूटा नहीं। ये भी बारी है, देखिए ठीक है। और पराठे वराठे बनाए ना तो सारे जल जाओ उसके, और उसमें बहुत सारे छेद हो गए, तो जब तक छेद नहीं, तवा लाए नहीं आज तो। छेद चलते चलते कल तो फिर तवा जरूर लेके चले जाएंगे, आज तो चाहे कुछ भी हो। तो जी, तवा आ गया, इसकी होगी आज, इसका होगा आज मुहूर्त। और मैंने जो है क्या बनाने की सोची है, हमने चिल्ले, मीठे चिल्ले बनाएंगे। और मैंने शक्कर जो है पानी में डालकर रख दिया है, वो घुल गई होगी। अभी मैं जो है उसके लिए आटा यानी कि घोल तैयार करूँगी। सेम प्रोसेस वही है जैसे पूड़ों के लिए होता है, शक्कर में आटा मिलाकर और बस उसे मिला दो, या फिर अजवाइन डालो या फिर सौंफ के दाने, लेकिन मैं सौंफ के दाने डालूंगी। अभी तैयार करूंगी मटेरियल सारा बनाने के लिए। और प्रीति ने चूल्हे में जो जीना लगा दिया है वो तब तक दूध गर्म करेगी। तो शाम का खाना जो है आज 3 जने बनाएंगे मिलकर, ना कि 2 जने। आज माँ भी हेल्प करने वाली है और नंदिनी मुझे लगा इसीलिए सो रही दिख क्या, ताकि माँ चिल्ले बना दे और नई चीज़ों की ओपनिंग जो है माता जी के हाथों से। चलो जी, मुझसे चिल्ले बनाने नहीं आते हैं, नॉन स्टिक पे तो अच्छे बन जाते हैं लेकिन लोहे के तवे मेरे पे बनते नहीं। आज ट्राई करेंगे, फिर भी मैं और प्रीति भी जरूर ट्राई करेंगे। और देखिए, माँ जो है तैयारी में लग गई है। मैंने पूछा था माँ से कि कैसे बनेगा इसका आटा, तो बोल रही थी ऐसे ही बनेगा जैसे पूड़ों का बनता है। तो जी, आटा छान लिया है और ये देखिए, ये है शक्कर का पानी, मीठा पानी। शक्कर मैंने भिगो कर रख दी थी, घुल गई होगी माँ, तो शक्कर तो जल्दी घुल जा। और यहाँ पर देखिए, माँ ने जो है ये मीठा पानी छान लिया है और आटा भी छान लिया है, और इधर सौंफ भी मैंने रख दी थी। सारा सामान तैयार है, बस 3 चीज़ों से मिलके बनेगा। और सरसों के तेल में ये बनाए जाते हैं चिल्ले। माँ लुपी हुई भी तो ऐसे बनाए माँ, है आज तक बनाई नहीं हमने भी। क्या मालपुए पूड़े बोल रहे हैं जिन्हें, मालपुए तो। और ये देखिए, इस तरीके से गोल बनाया जाएगा। मैं तो उसमें ही बनाऊँ थी, डोंगे से में ही उसमें माँ ने बना दिया इसमें परांत में। और ये देखिए, माँ ने जो है परांत में ही इसका गोल तैयार कर लिया है। डाल दो, सौंफ भी डाल दिया है, सौंफ से जो है अच्छा टेस्ट आता है। और ये इसका गोल तैयार हो गया, ये देखो जी, एक भी गांठ नहीं रहने की इसमें। जब तक जो है दूध गर्म होगा तब तक ये माँ इसे चलकती रहेगी इस तरीके से, और ये सॉफ्ट हो जाएगा बढ़िया। ये जो बचा हुआ मीठा पानी था शक्कर का, और ये देखिए तवे की भी क्लीनिंग हो गई है। तवे को दोनों तरफ से जो है क्या कर दिया है,
मांझ दिया है और पीछे जो है इसके मिट्टी लगाओ, तला चढ़ा गए, हाँ मिट्टी लगेगी ना वहाँ। और ये देखिए जी, ये लग गया है मिट्टी का लेप तवे के ऊपर। बस और अब इसे रख दिया जाएगा चूल्हे के ऊपर। ये दूध गर्म होगा, दूध भी आने वाला है। क्या लाऊं माँ? पानी ले थोड़ा सा। तो यहाँ पर जरूरत पड़ गई है थोड़े से पानी की। पतला हुआ है ना ये पूरे से। और देखिए चिल्लो का जो घोल है वो बनके तैयार हो गया है लगभग, कोई भी गांठ इसमें नहीं है। और जहाँ पर मीठा लेकर बैठते हैं वहाँ पर मक्खी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता खुले आंगन में। और ये तो काफ़ी परेशान कर देती है जब कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं। दूध गर्म होने वाला है, मतलब उबाल आने वाला है इसमें बस। और जो भी कोई दूध गर्म करता है सुबह या शाम, उसे एकदम यहीं पर रेडी रहना पड़ता है, मोर्चा संभालना पड़ता है। दूध का ऐसा काम है वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी। हाँ नज़र हटते ही ये बाहर आ जाता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वो काम इसका होता है। तो इसलिए एक टक नज़र इस पे ही रखनी पड़ती है। प्रीति बोली वैसे तो मैं जान नहीं दुबारे इसे पका तो ले तो बाहर नहीं आने दे। और शाम का जो है तीनों पशुओं का दूध जो है हम लोग गर्म करके पी लेते हैं। मट्ठा वैसे भी कोई नहीं पी रहा, दो ही तो देवे शाम में टाइम। अच्छा भैंस देती नहीं, कंफ्यूजन हो गया, सॉरी सॉरी गाइस। एक टाइम देवे भैंस मॉर्निंग में देती है, मुझे तो ये पता, मैं सुबह को अंडी में गर्म करने के लिए रख दूं। और ये देखिए बातों ही बातों में दूध में उबाल आता हुआ पक गया भी और बाहर निकला, पक भी गया है प्रीति का मानना है और बाहर नहीं निकलने दिया। तो अभी प्रीति अपने शुभ हाथों से किसका शुभारंभ करने वाली है तवे का, ये देखिए इतना गर्म हो जाएगा इतना। तो तवा रख दिया गया है और सवेरे सवेरे ही हमारे यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी, नहीं तो फिर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तो गर्मी और ऊपर से जो है दिन छिपते ही बच्चों का सोने का रोने का खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग पहले ही सबको खाना खिला के फ्री हो जाते हैं। तो ये आ गए हैं कुंचे चमचे, चमचा भी बड़ा ही लेगा, बड़े लाओ, हाँ चमची छोटी रह जाएगी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बैटर बनके तैयार हो गया है। और जब ये आटा इस तरीके से घोलते हैं तो इसे चलाने में जो है हाथों को घुमाने में बड़ा मज़ा आता है, इसमें एक भी गांठ नहीं है इसमें, इतना सॉफ्ट कर दिया है मानी इसमें हाथ घुमा घुमा के। आटा एकदम रेडी है और उधर तवा भी रेडी है, तो सब सामान जो है तैयार हो गया है। तवे के थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही माँ ने बोला है प्रीति से इस पे जो है थोड़ा सा सरसों का तेल घुमा दें, और इसने इस पे घुमा दिया है। और यहाँ पर देखिए बैटर तैयार है और तवा भी तैयार है एकदम से, तवे ने एकदम से अपना रंग रूप बदल दिया है तेल डालते ही, और माँ ने बैटर भी डाल दिया है। और अब देखिए इसको कैसे फैलाएंगी, चमचे से नहीं फैलाती है अब तो जो है सब लोग, बैटर को कोई भी बैटर हो तो चमचे या कुंचे से फैलाते हैं, लेकिन माँ पानी का हाथ लगाकर उससे फैलाती है। और देखिए इसे गोल गोल कर देंगी, ये एकदम शेप इसकी इतनी अच्छे से दे देंगी, बहुत अच्छे से। ये देखिए एक कितनी अच्छी शेप बना दी है माँ ने इसकी, और पानी साथ में रख लिया है। और सबसे पहले जो है ये सबसे पहला जो चिल्ला है वो गाय माता के लिए, तो चलिए सेक लेने देते हैं माँ को। अभी देखिए ऑयल डालेगी इसके ऊपर, सरसों का तेल इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। सारा सामान अंदर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या कह रही प्रीति? हमें ये लग रहा है कि अंदर ही शिफ्ट करना पड़ेगा सारा सामान, मौसम देखो खराब हो गया अचानक एकदम से, काले काले से बादल गिर गिराते हुए और हवा तेज पीछे की साइड से आई है। मैंने माँ को बोला था, अभी इतनी गर्मी थी, मैं प्रीति को बोली थी काला काले है बादल इधर की साइड से आए हैं, ये देखिए इधर कैसा है मौसम और इधर जाते ही एकदम चेंज हो रहा है, चिल्लों का मौसम हो गया। तो चिल्ले खाने का मौसम यहाँ पर हो गया है, बरसाती मौसम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये है नमक का आटा, जिसे भी नमकीन खाना होगा तो सब्जी के साथ रोटी खा सकता है बाद में, पहले मीठा। नमक से का तो चाह गई, मीठा मीठा मन नहीं भरता तो मन सब उबड़ जाए ना। और यहाँ पर चिल्ले में जो है एक साइड से ये
सीख चुका है ये देखिए, और अब माँ ने इसको पलट दिया है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल चारों तरफ डाल दिया है, तो ये दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सीख जाएगा। और मीडियम आँच कर रखी है इसमें, और मुझे लग रहा है ये चिल्ले जो हैं हमें अंदर वाली किचन में ही बनाने पड़ेंगे, मौसम ने एकदम से पलटी मारी है, या तो फिर इतनी गर्मी थी पसीने छूटे जा रहे थे लेकिन यहाँ पर अचानक से एकदम ठंडक होने लगी है, यानी कि ठंडी हवा चलने लगी है और चूल्हा जो है हवा की वजह से बुझ गया है। और ये है देसी जुगाड़ फूकनी, फूकनी से हम लोग इस तरीके से चूल्हा जलाते हैं, बुझती सारा जलाते हैं वहाँ कह रही। ये पहला चिल्ला सीखते हुए, चिल्ला सीखते ही एकदम मौसम ने पलटी मारी है जोरदार, और प्रीति ने सारा सामान जो है अंदर रखना शुरू कर दिया है, दूध की पतीली अंदर चली गई है और आटा भी जो प्रात में उसने बनाया था। ये गाय के, और ये देखिए प्रीति देकर आएगी गाय को, सबसे पहले लाल वाली का नंबर, कुछ मीठा हो जाए, काले वाली को भी दे दे बेचारी को, भैंस ही तो है। प्रीति फूक मार मार के दे रही ठंडे कर कर के। हाँ सही बात है, अब गोरी का नंबर, काली से बाद में, सारे जिमा दिए, जितने भी पहली बार में सीखे वो सारे इन्हें खिला दिए, और अब लाली का नंबर। लाली तो बाटी देखती रहे कोई कुछ लावे। अच्छा खाने का इसका तो ध्यान भी चूल्हे पे ही रहे। और अब इसका नंबर, पता नहीं खावेगी या नहीं, है तो बेमन सी। खैर भगवान तेरा भला हो, तन्ने खा लिया। संध्याकालीन समय 7:30 बजे हैं और कुछ ऐसी ऐसी सी रोशनी है अभी, आसमान में बादल हैं, हवाएं ठंडी, गर्मी कम हो गई है और ठंडी में ये बना रही है माँ चिल्ले। अब से पहले कितने बना दिए तो मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया, मैं जा रहा था बुढ़ाने और मैं लाया गाय की अपनी दवा होम्योपैथिक की, ख़त्म हो गई थी उसकी, तो अभी अभी जैसे ही आया मुझे पता चला कि यहाँ पर नए तवे का उद्घाटन हो गया है, मुहूर्त हो गया इसका, और माँ बना रही है इस पर मीठे चिल्ले काफ़ी दिनों बाद। पिछली बार कितने दिन हो गए ये नहीं याद है, कब खाए होंगे, तो ये इतने दिन बाद बन रहे हैं, मतलब कि याद भी नहीं है कब खाए थे। और ये जो है आजकल के बच्चों की फेवरेट डिश नहीं रही है, पहले बहुत खाते थे, और ये नमक के भी बनते हैं और मीठे भी, और हमारे यहाँ इन्हें चिल्ले ही बोलते हैं, ये आटे का गोल है मीठा और तवा है, और इस तरह की कुछ कलाकारी है माँ के हाथों की, हाथ से इसे फैलाया जाता है और इनका नाम हो जाता है चिल्ला, और ये है मीठा चिल्ला। और माँ बता रही है बेसन के भी बन जाते हैं और ये आटे के भी बन जा, और पता नहीं सूजी उज्जी के भी बनते होंगे क्या, है माँ सूजी के भी बन जा, हाँ सूजी के बन जा, नमक के सूजी के भी बन जा। खाना लग गया है, ये देखिए दूध और चिल्ले मीठे, चलो चाचा जी के लिए भी लगा दिया गया है और पिताजी के लिए भी, और प्रीति ने जो है सर्व कर दिया है।